को आधे घंटे से इंतजार कर चुकी है, तो आपकी जोरदार ताली से एक बार स्वागत किया जाए। सृष्टि देशमुख जी को शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं कि आपने इतनी सफलता प्राप्त की और भोपाल का नाम पूरे भारत में रोशन किया, और ये दिखाया है कि भोपाल की लड़कियां सबसे ताकतवर होती हैं या नहीं। लड़कियों की आवाज नहीं है, अभी भी नहीं है। नहीं, आप इनसे अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर मैं आपको इनका, आप भोपाल के कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई हैं, आपने 2018 में केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, आपने पहले ही अटेम्प्ट में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अंदर सर्वप्रथम हम सृष्टि देशमुख जी को सुनेंगे, उसके बाद आपके सवाल कुछ बचते हैं तो हम सवाल लेंगे, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि आप मिलना भी चाहते हैं तो हम थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय, तो मैं बिना किसी देरी करे आपको गौर किए हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ सृष्टि देशमुख, आप सबको संबोधित करें। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक वंदना मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच मैम। एक बात मैम से भी, मैं अभी के बारे में सुनती थी कि वहाँ पर लेक्चर्स अच्छे होते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, तो और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ आऊँ और सारी फैसिलिटीज़ का मतलब उपयोग करूँ, तो आज वो मेरा जो सपना है, खास अभी सोचा था, वो आज पूरा हो गया है, तो आज पढ़ाई करके आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की, तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है, मैं भी वैसे ही हूँ, और उस वक्त ये लगता था कि बस लिस्ट में अपना नाम देख लूँ, है ना, कभी सब दस देख लूँ कि चलो एक कुछ सिलेक्ट हो गई हूँ, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज था कि मैं अच्छी रैंक ले पाई, और उसके लिए ना केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद और पूरे परिवार का साथ, और कुछ खास दोस्त रहे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और उसके अलावा कुछ टीचर्स मेंटर्स जिनके मैं कांटेक्ट में रही, तो उन सबको मैं इस चीज़ का मैं कहूँगी जो कहते हैं श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता के लिए। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन पर आती हूँ, तो मैं ये आप मतलब है ना सीरियस सेशन नहीं रहेगा, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जो भी चाहे पूछ सकते हैं, पहले तो मैं अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें कवर करना चाहूँगी वो करती हूँ। तो पहले ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, और मतलब और भी आप दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करते होंगे, है ना, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएसबी का फॉर्म भर रहे हो यूपीएससी का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं, तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, हम सब लोग मध्य प्रदेश से हैं या बाहर से भी हैं कोई, सो मध्य प्रदेश से हैं तो दो मैंने एक नेमोनिक सोचा था, एम और पी, तो आई विल टॉक अबाउट टू एम्स एंड टू पीज, ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़, ठीक है, तो पहले पी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पी इज अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही, ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज ये कि मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोज में हम चले जाते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना, कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
माफ कीजिएगा, आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्जाम जो है वो 5 to 6 hours आपको रोज, मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहाँ से यही करूँगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। एक ये कहना चाह रही हूँ प्रेपरेशन की, तो प्रेपरेशन में अगर UPSC स्पेशली बात करूँ तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रही है, कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल वो तो हमें पता है, अब उसके आगे की बात करो। तो अब जो डायनामिज्म एग्जाम में आ रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, पहले इंडियन एक्सप्रेस, मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना। और जो भी आप हिंदी माध्यम अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रेपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो, मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी, एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार होना है और पकड़े गए, खत्म। या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट पे फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस पूछता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च कर लिया। फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज़ फाउंड। अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क हैं। मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उस आधे घंटे से इंतजार कर चुकी है, तो आपकी जोरदार ताली से एक बार स्वागत किया जाए। सृष्टि देशमुख जी, बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं कि आपने इतने सफलता प्राप्त की और भोपाल का नाम पूरे भारत में रोशन किया और ये दिखाया है कि भोपाल की लड़कियां सबसे ताकतवर होती हैं या नहीं। लड़कियों की आवाज़ नहीं है, अभी भी नहीं है। आप इनसे अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर मैं आपको इनका, आप भोपाल के कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई हैं, आपने 2018 में केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, आपने पहले ही अटेम्प्ट में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अंदर सर्वप्रथम हम सृष्टि देशमुख जी को सुनेंगे, उसके बाद आपके सवाल कुछ बचते हैं तो हम सवाल लेंगे, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि आप मिलना भी चाहते हैं तो हम थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय, तो मैं बिना किसी देरी करे आपको गौर किए हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ सृष्टि देशमुख, आप सबको संबोधित करें। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक वंदना मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच मैम। एक बात मैम से भी, मैं अभी के बारे में सुनती थी कि वहाँ पर लेक्चर्स अच्छे होते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, तो और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ आऊँ और सारी फैसिलिटीज़ का मतलब उपयोग करूँ।
तो आज वो मेरा जो सपना है, खास अभी सोचा था, वो आज पूरा हो गया है। तो आज पढ़ाई करके आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने यूपीएससी की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की, तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो पढ़ाई करता है, मैं भी वैसे ही हूँ, और उस वक्त ये लगता था कि बस लिस्ट में अपना नाम देख लूँ, है ना, कभी सब बस देख लूँ कि चलो एक कुछ सिलेक्ट हो गई हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज था कि मैं अच्छी रैंक ले पाई, और उसके लिए ना केवल मम्मी पापा के आशीर्वाद और पूरे परिवार का साथ, और कुछ खास दोस्त रहे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और उसके अलावा कुछ टीचर्स मेंटर्स जिनके मैं कांटेक्ट में रही, तो उन सबको मैं इस चीज़ का, मैं कहूँगी जो कहते हैं, श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता के लिए। अब थोड़ा सा प्रिपरेशन पर आती हूँ, तो मैं ये आप मतलब है ना सीरियस सेशन नहीं रहेगा, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जो भी चाहे पूछ सकते हैं। पहले तो मैं अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें कवर करना चाहूँगी वो करती हूँ। तो पहले ये जानना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो यूपीएससी एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, और मतलब और भी आप दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएसबी का फॉर्म भर रहे हो यूपीएससी का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं। तो वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक, हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, हम सब लोग मध्य प्रदेश से हैं या बाहर से भी हैं कोई? सो मध्य प्रदेश से हैं, तो दो मैंने एक नेमोनिक सोचा था, एम और पी। तो आई विल टॉक अबाउट टू एम्स एंड टू पीज, ठीक है, तो आपको याद भी रह जाएगी चीज़, ठीक है। तो पहले पी से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पी इज अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होना था ऐसा ही, ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है। टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज ये कि मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रिकमेंडेड वीडियोज में हम चले जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना, कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 hours मैं कहूँगी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्जाम जो है वो 5 to 6 hours आपको रोज मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहाँ से यही करूँगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। एक ये कहना चाह रही हूँ प्रेपरेशन की, तो प्रेपरेशन में अगर यूपीएससी स्पेशली बात करूँ तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे। एक था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं, कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहाँ ने बना दिया ताजमहल वो तो हमें पता है, अब उसकी आगे की बात करो। तो अब जो डायनामिज्म एग्जाम में आ रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ा। पहले इंडियन एक्सप्रेस मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना। और जो भी आप हिंदी माध्यम में अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं,
लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स को मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी प्रेपरेशन करंट अफेयर्स से खींच के की। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि कहीं आपने पेपर में पढ़ लिया कि कोई एक एनिमल है जो, मतलब जिससे ना पोचिंग, आप पोचिंग समझते हैं, पोचिंग हो रही है उसकी, एंड यू नो पोचर्स आर बीइंग कॉट, कि पकड़ लिया गया है जो भी इसकी इसके शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर लें कि इसका नोट बना लें कि ये एनिमल है, इसका शिकार हो रहा है और पकड़े गए, खत्म। या तो फिर आप एक काम करें, आप देखें कि वो एनिमल कौन सा है, इंटरनेट पे फटाफट गूगल सर्च किया, पता किया उसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस पूछता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो गया है, क्या है, वो आपने पहले से सर्च करके फिर आपने देखा कि उस एनिमल वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में इट इज फाउंड। अच्छा चलिए असम में मिलता है, तो असम में और कौन से नेशनल पार्क, मतलब एक पॉइंट पकड़ के न्यूज़पेपर का आपको उसके साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त कवर कर लेंगे। उससे होगा क्या, उस दिन का आपका एनवायरनमेंट का एक सेक्शन कवर हो जाएगा। ऐसा करके पॉलिटी हो गई, या फिर जो भी हम, जैसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर और भी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है फिर आप उसकी और डीप में स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक ही चीज़, जो दूसरा मेरा प्रिपरेशन का पिलर था वो था टेस्ट। देखिए पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है। देखिए अगर हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ कोई दिल्ली में बच्चा बैठा है जो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोल करके दूसरा पेज पूरा रट रहा होगा, बात सही है। तो वो जो है ना, टाइम का हमेशा याद रखिए, टाइम हमेशा याद रखिए कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना वक्त निकाल कर इस पढ़ाई को दे रहे हैं, हमारी लाइफ के हम कलरफुल यूथ के ईयर्स अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं, तो अपना 100% दीजिए। और टेस्ट्स आपको ये बताएंगी कि आपका स्तर क्या है प्रिपरेशन का। तो जो भी टेस्ट्स हों, चाहे भोपाल में, चाहे अगर आप दिल्ली से कोई फोटोकॉपी मंगवा सकें, या जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर आपको कहीं टेस्ट मिलता है तो आप अपने आप को जाँचते रहें। हर रोज़ 10 से 20 सवाल MCQ, या अगर रिटन हो तो मैं एक दो आंसर्स रिटन, जो बड़े अपने सब्जेक्टिव आंसर्स थे, वो मैं एक दो रोज़ लिखा करती थी। तो उससे मुझे आइडिया होता था कि मैं किस स्टैंडर्ड का लिख रही हूँ और क्या उससे मेरा कुछ चांस है सिलेक्शन का। तो ऐसा अपने आप को आप जांचते रहिए। तो हमने दो पीस कवर कर लिए है ना, पहला पी कौन सा था? अच्छा मतलब आप सुन रहे हैं मेरी बातें, अच्छी बात है। दूसरा था प्रिपरेशन। अब थोड़ा सा एम पी हो गया है तो एम की बात कर लेते हैं। एक एम मैंने जो हमें दिमाग में चीज़ जो है हमारे पुश करता है। अच्छा इसके पहले मैं एम की तरफ आऊँ, एक चीज़ बताऊँगी कि किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके दो पहलू हैं। एक आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कितने टेस्ट लगाते हैं, कितने घंटे देते हैं, ठीक। दूसरा है एग्जाम में कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, कि आपका मन नहीं कर रहा है उठने का पर फिर भी आप उठते हैं। वो चीज़ है आपका मेंटल करेज, और उसको आपको बिल्ड करना बेहद बेहद ज़रूरी है। मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है। तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए दो एम हैं। एक है माइंडसेट, कैसा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहाँ पर, चलिए आपको नहीं कह रही, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं, हमें करना यह है कि हमें अपने आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये इतना ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूँगी। तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर सकते, कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा एम की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा सब ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट पे ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड।
तो लेकिन वो चीज मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड. तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ. तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई कर ली, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूं, ऐसा क्यों है कि मैं SSB के एग्जाम के लिए बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, वाई इज इट. अगर आपका वाई तगड़ा है ना तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे. इसलिए अपने वाई को, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द सिविल सर्विस, वाई डू यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट स्टार्ट कि अगर करूँगा तो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी. अगर आप प्रेस्टीज को सोचकर अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा. मोटिवेशन आपको कहीं ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हों, किसी बच्चे को देख रहे हों, किसी दुकान पर काम कर रहे हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए. क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि उस बच्चे को वहां से निकाल के स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए. जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाती है. तो एक ये चीज़ मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए. मैं लकी रही कि मैं मम्मी पापा के साथ रहकर, घर में रहकर पढ़ाई की मैंने. तो जब भी कभी बोर होती थी, मम्मी से बातचीत कर लेती थी किसी टॉपिक के बारे में. आप भी अपने मम्मा से, पापा से, या डियर फ्रेंड, आपके भाई बहन जो भी हों, उनसे इस बात का डिस्कशन करें. और इसके अलावा डी स्ट्रेस भी हों. और एक और बात मैम से बात करते हुए मुझे याद आई कि मुझे ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए, वो है हमारा न्यूट्रिशन और हमारा पूरा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं. देखिए, हमारा दिमाग, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में कितना परसेंट वाटर होता है. आप ब्रेन इज व्हाट परसेंट, हाउ मच परसेंट इज इट वाटर? 70%. यस, सो क्लोज टू 70% ऑफ आवर ब्रेन इज जस्ट वाटर. और अगर हम वाटर ही, पानी ही नहीं पियोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? इसलिए हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना है. पढ़ाई के बाद जूस, अच्छा चाय कॉफ़ी नहीं है, जूस एंड अच्छा पानी, या तो जूस पियो तो पानी प्लीज़. हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, अपने टेबल पे हमेशा ये चीज़ रखिए. और दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशियस फूड. तो मैम को बिल्कुल मम्मा जैसे रखनी है आपको, तो आप बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड लेते रहिए जहाँ भी आप रहते हैं. प्लीज़, आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी वो मत कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रांग होगी ना तभी अपन अच्छे से हेल्दी होकर पढ़ पाएंगे. तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फ्रंट. और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी UPSC के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्पेसिफिकली, कि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको पूरे इसमें मार्गदर्शन देंगी. पहली चीज़ है UPSC का सिलेबस. बड़ा क्लीशेड लगता है ना, हर कोई बोलता है सिलेबस, पर वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हर एक वर्ड उससे 1-15 मार्क का सवाल बन सकता है, जो आपकी रैंक को यहाँ से यहाँ ले आए. तो आपको हर जो वर्ड UPSC सिलेबस में या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो लिखा है, आपको हर इसके अलग से, मतलब मैंने ये कोशिश की कि जो भी नोट्स मैं बना रही हूँ मैं खुद बनाऊँ, और जो भी रिसोर्सेज से, भले ही ऑनलाइन रिसोर्सेज से हो या स्टैंडर्ड बुक से हो, उनसे मैं पढ़ूँ और खुद अपने हाथ से नोट्स बनाऊँ. जब मैं लिख लेती थी अपने हाथ से तो मुझे वो प्रोसेस, कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोसेस हो जाती है. तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है. आप अपना तरीका पहचानिए कि आपको कैसे वो चीज़ समझ में आ रही है ना. और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने, हाँ, जो दूसरी चीज़ मैं कह रही थी, UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर्स, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो, पहले तो आप 5-7 साल के अपने प्रिंट करा के अपने पास रख लो कि ये पेपर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो. हर बार उसको देख लो हर दिन और समझो कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना. तो ये दो चीज़ें आपके अल्टीमेट मार्गदर्शक हैं. बाकी तो आप अपनी, मतलब ये है ना कि मैं जो आज बोल रही हूँ ना आपके सामने खड़े होके, ये कुछ चीज़ें मैंने किसी से सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं यूट्यूब पर कोई टॉपर का वीडियो देखा और शायद वहाँ से सीखी हूँ. तो ये कोई मेरी, मतलब मैंने ऐसे बिल्कुल, है ना, अलग कुछ ऐसा मैं बताऊँ ऐसा नहीं है. जो भी प्रिपरेशन मैंने की,
उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आएगी, है ना। यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वो है प्लानिंग की। प्लानिंग और अपने नोट्स का ऑर्गेनाइजेशन बेहद बेहद ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम, आपको डेट जैसे पहले आ जाती है, यूपीएससी की डेट एक साल पहले आ जाती है। जैसे एक साल पहले जब मैं दे रही थी तब पता चल गया था कि अगले साल 2 जून को पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, ठीक। तो ऐसे डेट आ जाती हैं पहले, तो आप अपने एग्ज़ाम के डेट के हिसाब से अच्छे तरीके से पूरी चीज़ों को आपको प्लान करिएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा कौन सा स्ट्रेंथ है। जैसे मुझे पॉलिटी बहुत पसंद था और ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लगता था, तो ज्योग्राफी को मैंने किसी तरीके से हर रोज़ उसको एक 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 चैप्टर करके उसको करती थी। पॉलिटी मैं एक साथ ज़्यादा भी पढ़ लेती। तो ऐसा आप अपना खुद का स्ट्रेंथ पहचानो कि किस टॉपिक के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो या किसके साथ कम, उस तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करो। और तो अभी ये तो मैंने ब्रॉड ब्रॉड टच कर दिया, इसके अलावा जो भी आपको सवाल मुझसे पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। जब हम आंसर लिखते हैं तो हमारे अंदर क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर लिखते टाइम, क्योंकि हमारे पास बस 9 से 10 मिनट का समय रहता है आंसर लिखते समय, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें उनमें डालने चाहिए जिससे हमारा एक आंसर है वो अच्छे अच्छा आंसर बने। What's the end? Yes. So yes, answer writing बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हुआ पूछ गया, मुझसे मिस हो गया था, थैंक यू। आंसर राइटिंग किसी भी एग्ज़ाम का तो मतलब कह सकती हूँ, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। एंड जैसा कि आपने सही कहा कि 9 मिनट मिलते हैं, और ऑप्शनल का पेपर ले लूँ तो अगर थोड़ा हायर मार्क का हो तो 14 मिनट मिलेंगे। ऐसे 9, 11, 14 इतने ही मिनट मिलेंगे एक आंसर को लिखने के, डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड लिमिट। तो उसको कैसे लिख पाएं? अगर आप सोचें कि मैं बिना प्रैक्टिस करके ना उधर ही कोई कर लूँगा टाइम पर, तो सच में नहीं हो पाता है। मुझसे तो मैं आधा घंटा ले लेती थी एक आंसर लिखने के लिए शुरुआत में, है ना। और मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि आधा घंटा क्वेश्चन लेके टाइम स्टॉप वॉच अच्छे से ऑन करके बैठे और लग गया आधा घंटा। तो ये होगा, तो लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पहले आप अपना नॉलेज बेस बना लो। जैसे मान लो आप किसी पॉलिटी का, मान लीजिए आप आंसर आज लिखने का सोच रहे हैं, पहले आप उसका नॉलेज बेस बनाइए कि अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है। उसके बाद आप आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो मैंने उसमें डाली और शायद मुझे लगता है कि उससे अच्छे मार्क्स मिले। कोई भी आंसर अगर केवल जैसे शुरू किया, थोड़ा सा बताया, और वो है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन कंक्लूजन, ये तो हम लिखते ही हैं। इसके अलावा आप अपने आंसर्स में कुछ फैक्ट्स कोट कर सकते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं कि 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज दिस, कुछ भी ऐसा डेटा रहता है, GDP का डेटा रहता है और कुछ, तो ऐसे फैक्ट्स जो हैं आप कोट कर सकते हैं। दिस इज़ 1। नंबर 2, कोई भी कमिटी की रिपोर्ट ऐसे आता है कि जैसे अभी आया था कि जस्टिस बी एन श्री कृष्णा की रिपोर्ट आई थी, है ना, प्राइवेसी को लेकर के, राइट टू प्राइवेसी को, तो वो एक रिपोर्ट मैंने आंसर में कोट की थी। तो ऐसे कोई भी रिपोर्ट्स और कमीशन्स जो बैठते हैं, जैसे आपने पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ARC, इनके बारे में पढ़ा सुना होगा, तो इनके रिपोर्ट्स को आपको वहाँ पे लिखना है कि इनके हिसाब से ये व्यू पॉइंट है। कुल मिला के बात ये है कि हमारा व्यू पॉइंट तो ठीक है, पर हमारे व्यू पॉइंट को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम उस फैक्ट का सहारा लेंगे या उस कमिटी का सहारा लेंगे, तो हमारी कही हुई बात ज़्यादा एक्सेप्टेबल साबित होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये फैक्ट, कमिटी, इसके अलावा आजकल इंडेक्स बहुत आते हैं। जैसे आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स सुना होगा, है ना, गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी स्ट्रेस कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमारी रैंकिंग और अच्छी हो जाए। तो आप उन इंडेक्सेस को पढ़िए, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स आता है ऐसे, तो इनको भी आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। एंड एज फार एज टाइम इज कंसर्न, तो मैंने एक स्टॉप वॉच खरीदी थी छोटी सी, और बस फिर आंसर्स लिख करके अपना टाइम ऑन करके बार बार प्रैक्टिस करती हूँ। हर रोज़ 1 से 2 आंसर आप लिखो, और अगर आपके पास ऐसे 8 to 9 months का टाइम है तो आप उतना डेवलप कर लेते हो स्पीड कि आप उतने टाइम में कर पाओ। बस एक चीज़ और कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, भले मेंस दे रहे हो या प्रीलिम्स दे रहे हो। मॉक टेस्ट से उस टाइम में कैसे अपने आप को ढालना है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन?
गुड आफ्टरनून मैम, मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में पैरा पैराग्राफ का यूज सुटेबल रहेगा और जो अनुच्छेद पॉइंट वाइज उनमें कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर कैसे डिफरेंस। जी ठीक है, आप बैठ जाइए। तो कई बार ऐसा मतलब आता है, हम डाउट बहुत में रहते हैं कि पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में। बट ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा टेल वर्ड आप समझते हैं, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एन्यूमरेट, है ना, ये सब दिया रहता है, एग्जामिन। तो जैसे एन्यूमरेट बोला है तो एन्यूमरेट मतलब तो नंबर में लिखना है, चलो बात पक्की है। अगर कोई और चीज़ आपको खुद समझनी है, जैसे मैं कभी कभार शुरू ऐसे करती थी, पहले डेफिनेशन लिखती थी, इंट्रोडक्शन उससे शुरू कर दिया, फिर मैं उसको डिवाइड करती थी आंसर को, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एनवायरमेंटल। जैसे कोई आपको मुद्दा दे रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और उसका इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, राइट, सो यू गिव दी सोशल इम्पैक्ट, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, द कल्चरल इम्पैक्ट, लीगल, एनवायरमेंटल, ऐसे करके। सो ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, आपको खुद को उसमें वेराइटी लाने है। अगर आप पूरा आंसर पैराग्राफ में लिख देते हैं, जैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो सोशियोलॉजी था, अब सोशियोलॉजी में ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप पॉइंट्स डाल पाओ, है ना, थोड़ा सा थियोरेटिकल सा सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, तो उसमें मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं डाल पाई। पर जैसे पॉलिटी का पेपर हो गया, इकोनॉमी का पेपर हो गया, इसमें मैं काफ़ी पॉइंट्स में वो किया है। तो आप उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करें कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पूरा आंसर पैराग्राफ में या पैरा में हो, दो पैराग्राफ में या पॉइंट्स में हो, दोनों चीज़ें आप मिला सकते हैं। और कोई सवाल? आपका जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शन था तो उसमें जो पेपर वन है वो थोड़ा स्टैटिक है, बट जो पेपर टू है वो डायनेमिक नेचर का है थोड़ा, तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या है और स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लास्ट ईयर कंप्लीट किया, तो बहुत मन में सवाल थे। अब मेरे साथ ऐसा था कि ऑप्शनल में केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था, तो आई हैड टू चूज समथिंग एल्स। तो मैंने पहले सोशियोलॉजी चूज़ किया और उसकी किताबें पढ़ी, लगा यार इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। अगर बुक लिस्ट में आऊँ तो मैंने ट्रायल एंड एरर से बुक्स ढूंढी हैं, किसी टॉपर्स ने सजेस्ट की थी उनकी बुक्स देखी और फिर कुछ खुद ही मैंने पढ़ के उनके नोट्स बनाए। तो पेपर वन के लिए तो काफ़ी सारे, जैसे हैरलम्बस एंड हील्ड तो सब पढ़ते हैं, जो ऑरेंज वाली पतली किताब आती है, हैरलम्बस एंड हील्ड, वो एक मैंने पढ़ी थी। और अगर पेपर टू पे आ जाऊँ सीधा जो आपके क्वेश्चन पे, कि काफ़ी डायनामिक है, तो नंबर वन न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना है बहुत तरीके से, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं विच यू कैन डायरेक्टली कोट इन योर आंसर्स। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक मैगजीन में, जिसमें लिखा था कि कुछ लड़कियां जिससे बॉर्न हो जाती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि लड़की बॉर्न हो, तो उसको नकुशा नाम दिया जाता है। तो ये थोड़ा यूनिक एस्पेक्ट है। तो अगर किसी गर्ल चाइल्ड के बारे में कोई सवाल हो तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कल्चर में एक ऐसा वर्ड अब आ गया है कि इफ अ फीमेल चाइल्ड इज अनवॉन्टेड उसको हम क्या नाम देंगे, तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर्स, अगर बुक लिस्ट या बुक्स की बात करूँ कि मैंने क्या रेफर किया, तो आज मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बाद में ये बुक मेरे हाथ में आई, इसमें पूरा पेपर वन और पेपर टू साथ में दिया हुआ है, नितिन सांगवान सर की किताब है, उसमें वो भी IAS हैं और उन्होंने लिखी है, तो उसमें पेपर वन पेपर टू दोनों मिल जाएगा, दैट्स वन। मैंने कास्ट के स्पेशल एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए नदीम हसनैन की किताब है, तो नदीम हसनैन की ट्राइब्स वाली नहीं है, सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी नदीम हसनैन वो, और फिर रूरल सोशियोलॉजी के लिए दोषी एंड जैन की किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, है ना, ये कुछ है। बाकी अभी तो ऐसा ही है, बाकी आप तन्वी सौंतियाल मैम उनकी बुक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ मैंने उनसे भी सीखा है। गुड मॉर्निंग मैम, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने सोशियोलॉजी कैसे ऑप्शनल सेलेक्ट किया, क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से करते हैं और कहीं भी कनेक्शन नहीं है सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स या किसी से, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि चलो सोशियोलॉजी चूज कर लेते तो मैं इसमें सही कर पाऊंगी, स्कोर कर पाऊंगी। ठीक है, कैसे चूज किया, जैसे मैं ये टच कर ही रही थी अभी पिछले सवाल में कि केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था ऑप्शनल, ठीक है, तो मुझे कुछ और ही चुनना था। अब केमिस्ट्री ना बहुत अलग हो जाती है,
केमिकल इंजीनियरिंग से. तो फिर मैंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट, दो मेरे दिमाग में थे, वन वॉज पॉलिटिकल साइंस, द अदर वॉज सोशियोलॉजी. सो आई बॉट द बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स. इनिशियल जो बुक्स होती हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स की मैंने करी थी. आपको भी अगर डाउट आ रहा हो ऑप्शनल में, तो आप दो, जो भी दो तीन आपको डाउट आ रहा हो उसकी किताबें आप ले लो, जो बेसिक उसकी बुक्स हैं उनको आप एटलीस्ट एक एक वीक के लिए पढ़ो. उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ में सबसे ज्यादा टाइम बिता सकता हूँ. क्योंकि ऑप्शनल जो है, जैसे यूपीएससी में 500 मार्क्स का है, तो इट रियली मेक्स अ चेंज टू योर स्कोर. तो ऐसा ही सब्जेक्ट चूज कीजिए विच यू इंजॉय रीडिंग, जो आपको एक बर्डन ना लगे, है ना. कोई ट्रेंड्स पे या कितना स्कोर कर रहे हैं टॉपर्स, ये सब पे मत जाएंगे. आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर ही आपको ऑप्शनल चूज करना है, है ना. तो बेसिक बुक्स पढ़िए और थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर इंजीनियरिंग के अलावा हो तो थोड़ा डालना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, है ना. किसने कहा था कि चीज़ें सब आसान होंगी लाइफ में, तो करनी पड़ती यार. लेकिन सच बताऊँ तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं ना, तो सच में चीज़ें जो है ना, एक ये चीज़ भोपाली भोपाली वाली कनेक्शन वाली बात बता रही हूँ कि हम भोपाल में रहते हैं, दिल्ली नहीं जाते. मतलब मैं दिल्ली नहीं गई हूँ प्रेपरेशन के लिए. मैंने इंटरव्यू देने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिल्ली गई थी. तो अपन नहीं सोचते हैं कि दिल्ली वाले कुछ अलग पढ़ते होंगे और बहुत सारा पढ़ते होंगे और अपना हो पाएगा कि नहीं. तो ऐसे सवाल मेरे मन में भी थे एंड लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो. और बड़ा सपना देख लिया है ना, तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो. सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा, ना मेरा ना किसी और. तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा. दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस. और अगली बार जब मैं यहाँ पर, आप नहीं, मैं नहीं, आप जब यहाँ पे खड़े होंगे तो मुझे जरूर बुलाना, ठीक है. ठीक है, तो जो भी सुन रहे हो प्लीज आप लोग अच्छे से करनी है. और जब आप यहाँ पे, मैडम आपको फोन करके बुलाएं कि बेटा आओ, चलो आप भी बताओ यहाँ पे, तो जरूर मुझे भी बताना. ऐसा ही मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि उतनी फायर आपके अंदर होनी चाहिए. ड्रीम बिग, है ना. बड़ा सपना देखने से बिल्कुल मत डरो. लाइफ सबकी चैलेंजिंग होती है, किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ इमोशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी जब आपने ठान ली है वो चीज़, तो फिर आपका कहता है ना कर्तव्य बनता है कि अगर ठान लिया है तो फिर या तो ठानो मत, या तो अगर यहाँ बैठ गए हो ना तो एग्जाम क्रैक करके ही मानो, ठीक है. तो एक ये वो अपना एक ड्राइव, डिटर्मिनेशन अपने साथ रखो, ठीक है. और कोई सवाल? ठीक है, तो मैम क्योंकि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, आपने सुनी होगी, वहाँ पर मैं आंसर्स अपने डालती थी, है ना. क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, कोई मेंटर नहीं मिल रहा है जो चेक कर रहा है, तो वहाँ पे फेलो एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने वहाँ पे डालते हैं. आप उनके आंसर रिव्यू करो, वो आपके आंसर रिव्यू करेंगे. ऐसे ही करके मैं सीखी हूँ शुरू में, जब क्योंकि लगता नहीं था कि इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज खरीदूंगी और उसको सच में यूज़ भी कर पाऊंगी कि नहीं. तो जब तक आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं, आप ऐसे ऑनलाइन फोरम्स का यूज़ कर सकते हैं. इनसाइट्स ऑन इंडिया एक है, दूसरा IAS बाबा आपने सुना होगा UPSC के लिए वो, और तीसरा फोरम IAS. ऐसे करके मैंने तीन वेबसाइट से मैं जुड़ी रही और उन पे आंसर्स मैं अपने डालती रही, है ना. तो वो चेक करते हैं, आप किसी का चेक कीजिए उनको अपने. और होता क्या है, आंसर्स की बात निकली है तो बताती हूँ, खुद के आंसर में हमें गलती नहीं दिखाई देगी, दूसरे के आंसर में हमें पटाख से गलती समझ में आ जाती है कि ये ना इसने ये चीज़ सही से नहीं लिखी है. तो आप दूसरों के आंसर्स चेक करो और उनको आपके करने दो, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि वेयर आर यू मेकिंग अ मिस्टेक. एंड व्हेन यू आर थरो इनफ, व्हेन यू फील कि नाउ दिस इज अ मोमेंट व्हेन आई कैन राइट टाइम करके टेस्ट, तो फिर आप कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो डेडी से, कोई भी. तो उसका मैं स्कैन करके अपनी कॉपीज उनको भेजती थी, वो चेक करके आपको वापस देते हैं एंड दे राइट देयर कमेंट्स आउट देयर, सो यू नो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, सो यू कैन जॉइन दैट, है ना. और कैसे नोट्स बनाते हैं और वो चीज, दूसरा हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. दो अलग 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 तरीके से आंसर करूंगी. पहला चीज नोट्स. देखो कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आपको कवर टू कवर पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा. अब उसके नोट्स आप बना लोगे तो या तो आप फोटोकॉपी करा लो,
या तो फिर हम फिर क्या करेंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आते हैं, वो तो कवर टू कवर ही पढ़नी है आपको। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर आती है, वो आपको कवर टू कवर पढ़नी है। कुछ किताबें जैसे डीडी बासु हो गई, कोई अगर पॉलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहा है, डीडी बासु पढ़ रहा है, तो उसके केवल आप नोट्स बनाओ। तो आप डिसाइड करो कि आपके एग्जामिनेशन के नीड के हिसाब से कौन सी किताब आपको पूरी पढ़नी है और कौन सी की आपको नोट्स बनाने। नोट्स का टाइम जैसे सोशियोलॉजी, अब उसमें हमें अलग अलग बुक किताबों के रेफर करनी पड़ी, तो फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, अदरवाइज फिर बुक से ही पढ़ी। और दूसरी चीज फ्रस्ट्रेशन, तो नोट्स बनाते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, और हर टाइम मतलब है ना फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारा पीछा करती रहती हैं। पर कुछ ऐसे खास दोस्त बनाओ जो हो सकता है उस फील्ड के नहीं हो, लेकिन आपको मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है, कि गर्ल यू डू इट, यू नो। और आपके कोई मतलब आपके भाई बहन हो या आपकी मम्मा हो, उनसे शेयर कीजिए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन। ऐसे किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड साथी बनाइए पूरी जर्नी में, और सपोर्ट लीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा पर उस पर हमें कंट्रोल, जैसे मैंने कहा कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, दिमाग हमें कंट्रोल ना करे, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और कोई आप पूछ रहे थे, करते हैं सोशियोलॉजी में, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बोलते हैं कि आपने अगर जनरली लिख दिया तो उसमें आपको आंसर नहीं मिल, नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने अगर सोशियोलॉजिकल एंगल से उसको लिखा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। कॉमन सेंस ये है कि आप मुझे यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ इससे सीख कर जाएंगे, ठीक है, हो गई बात खत्म। अब इसको सोशियोलॉजी के तरीके से कैसे देखेंगे, कि आप सबको हम देख लेंगे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, आप पे थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर एक डेटा निकालेंगे कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सेशन अटेंड किया था उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट रहा कितना इम्पैक्ट नहीं रहा। जब मैं उस रिसर्च फाइंडिंग को कोट करके बताऊंगी तो वो सोशियोलॉजी, और जब मैं ऐसे ही कह दूंगी कि हाँ ये जो लड़की है ना ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, ये कॉमन सेंस। तो फिर मैम सोशियोलॉजी में हमें थिंकर्स को कोट करना है, कोई भी थिंकर जो हो जिसने कोई बात कही, जैसे हर एक टॉपिक के अपने अपने थिंकर्स हैं। अभी तो मुझे थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मैंने मेन्स अक्टूबर में दिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा सोशियो को नहीं छुआ है, बट स्टिल जैसे कुछ थिंकर्स हैं जैसे ऑन्द्रे बेटे हैं, है ना, इंडियन थिंकर हैं, लुई डुमॉन हैं, ऐसे थिंकर्स को आपको कोट करना है आंसर्स में। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे हमें जनरल आप जीएस के आंसर्स में डालते हैं वो फैक्ट्स डाल सकते हैं, और थोड़ा आपको आप सोशियोलॉजी के बुक से ही, अभी मैं इतने अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आई हैव लॉस्ट टच, लेकिन सोशियोलॉजी की बुक से ही आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पकड़ना है। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है सुसाइड की थ्योरी जो इमाइल रूकीन देते हैं, राइट, तो उन्होंने कैसे कहा कि सुसाइड, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल चीज नहीं है सोशियोलॉजिकल चीज है। कैसे कहा, उन्होंने कहा कुछ लोग या तो जो अनमैरिड हैं या तो जो थोड़े से अलग रहते हैं लाइफ से, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो लोग ज्यादा सुसाइड करने की तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनके रिसर्च फाइंडिंग पे बेस्ड था। तो ऐसे कुछ रिसर्चेस आपको कोट करने हैं और थिंकर्स को कोट करने हैं, वो मेरे ख्याल से सोशियोलॉजिकल एंगल होगा, है ना। एंड मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वेट लिमिट कंप्लीट करने के लिए आपने वैसे लिखना स्टार्ट किया? नहीं, अगर मैं देखो यूपीएससी में अगर केवल वर्ड लिमिट आरजीपीवी की तरह पन्ने भरने जाएंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, सच बता रही हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने भी आरजीपीवी के एग्जाम दो दो घंटे में निकाल के आती थी, मतलब अब देखो अब आपसे अच्छे से शेयर कर रही हूँ, आप हंस गए, थोड़ा और याद आएगी एक चीज़ मेरे को कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम फोर्थ, हमारा एट सेमेस्टर का एग्जाम का फोर्थ पेपर, चार ही पेपर होते हैं थियोरेटिकल इंजीनियरिंग में आखिरी सेमेस्टर में, तो उस पेपर के बीच में और मेरे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में 14 दिन का अंतर था, 14 दिन, आप समझ रहे हैं, मतलब मेरे लाइफ की मैं बड़ी एग्जाम लेने जा रही हूँ, और मुझे जब पता चला कि बस 14 दिन है तो मैं हिल गई थी पूरी तरीके से। तो वो जो एग्जाम था आखिरी, जो भी पेपर थे 5-4, वो मैंने 2-2 घंटे में लिख के मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता थी कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्वालिटी पर जज नहीं किया जाएगा, आप समझ रहे हो ना, इंजीनियर टू इंजीनियर बातें हैं। तो लेकिन यूपीएससी ऐसी नहीं है, आप कोई और पेपर देंगे एसएससी एसएसबी, वहाँ पे वो आपके क्वालिटी ऑफ आंसर पे ही आपको चेक करेंगे, एंड वहाँ पे आप सोचो कि मैं लाइन थोड़ी स्पेस बना के जो है पेज मुझे पूरे भर दूंगा और उसमें पॉइंट नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मुझे कैसे पता चला,
जब मैं अपने टेस्ट लिख रही थी, जो आप टेस्ट देख रहे हैं ना, उनमें आप नंबर देख लीजिएगा। शुरू के टेस्ट में आप देख लीजिए मैं कैसा लिखती हूँ, और बाद के टेस्ट में देखिए आप मैं कैसा लिखती हूँ। मैंने खुद ही ये चीज़ समझी, इम्प्रूव की, कि मेरे आंसर में वो लोग ये नहीं देख रहे कि मैं कितना दोनों पेज कम्प्लीटली भर गए, वो ये देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स उसमें से निकल गए। आप समझ गए? तो पॉइंट्स कितने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन में जो पूछा गया है। एक तो पहली बात, क्वेश्चन को अपन को दो बार पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, एक बार पढ़ लेते हैं हाँ को ना, ना को हाँ पढ़ के आंसर टिक ला के आ जाते हैं, वो चीज़ गलत है। तो क्वेश्चन आप चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, दो बार पढ़ो, दिमाग को शांति से दिमाग में घुसाओ, और फिर 10 सेकेंड्स का वक्त लेके फिर शुरू करो आंसर राइटिंग। और ऐसी कोई मेरी वो नहीं रही कि जैसे ज़्यादा स्पेस हूँ या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा काम कर गया है ना। तो बस हाँ, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। एक इस पे आ जाती हूँ कि देखो कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है सृष्टि देशमुख कौन है, कोई मतलब नहीं उसके लिए, बस एक गड्ढा है कॉपी का, राइट? अपने लिए वो अपनी पूरी लाइफ की वो है ना मेहनत अब उनको दे रहे हैं। तो आप कैसे दूसरों से अलग आपकी कॉपी चमके, इस बात पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोतियों के अक्षर लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप हैंड राइटिंग लिखो, बट उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को, मतलब उसको चश्मा, अब वो प्रोफेसर्स होंगे उनको ज़्यादा वो ना करना पड़े, दिक्कत ना हो, उनके लिए आसानी हो, ऐसा आंसर लिखो। प्रेजेंटेबल भी हो थोड़े बहुत, जैसे आपने पूछा था ना कि आप क्या आंसर में करते हो, तो मैंने थोड़े फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाए, मैप मैंने सीखा कि कैसे मैं 10 सेकंड में इंडिया का मैप बना लूं, तो वो मुझे एक चीज़ काम आई। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आप रामसर वेटलैंड साइट्स बताइए इंडिया में कौन से, तो इधर मैं लिख देती कि 2 रामसर वेटलैंड साइट्स आर दीपोर बिल इन असम एंड भोजपाल लेक इन भोपाल, ठीक है? मैंने क्या किया, छोटा सा मैंने 10 सेकंड में फटाक से एक मैप बनाया, वहाँ पे असम के साइड पे एक गोला बना के वहाँ लिख दिया दीपोर बिल, और इधर लिख दिया भोजपाल लेक। तो उससे क्या हो गया, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो गया, हो सकता है आधा मार्क मैंने वहाँ एक्स्ट्रा चुरा लिया। ऐसे करके आपको अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। मैम जस्ट टू कंफर्म, मैं समराइज करने के लिए, आपने पहला बोला कि सोशियोलॉजिकल एंगल में अपने को थिंकर्स को कोट करना है तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अपने को, ठीक है? तो मैम जीएस का जो आंसर अपन लिखते हैं और सोशियोलॉजी का जो आंसर लिखते हैं, दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि अपने को थिंकर्स का मैं आपको एक बताऊंगी कि मैं सच में, मैं सच बता रही हूँ वेरी ऑनेस्टली, अभी मेरा थोड़ा टच छूट गया है सोशियो का, मैं इतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। आप मेरे आंसर शीट्स दूसरी वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने सोशियो की टेस्ट सीरीज ली थी, आप वहाँ से मेरे आंसर्स पढ़िए, एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई राइट डिफरेंटली, है ना? बाकी अब मैं इनको चांस दूँ प्लीज, है ना, पूछने के लिए। कुछ स्पेशल फोकस एरिया जो जिस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है ब्रिलियंट। मेरे मार्क्स आए हैं, मुझे अभी अभी पता चला कि 98 कट ऑफ गया था, वो तो पहले पता चल गया था, मेरे 106 मार्क्स आए, तो कोई खास बहुत तगड़े मार्क्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी पूछा है, अब थोड़ा क्रॉस कर लिया है। तो बस ये बोलूँगी कि अपनी एग्जाम की पैटर्न को पहचानो। यूपीएससी में कुछ जैसे पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, और वहाँ अगर आपने गलत कर दिया तो ऐसे हजारों बच्चे हैं जो पॉलिटी को मास्टर करके वहाँ बैठे, तो वहाँ तो एक भी आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी को आप पूरा पक्का करके जाओ। पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, तो उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है? तीसरी चीज़, करंट अफेयर्स में जो एनवायरमेंट पूछा जाता है वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो करंट अफेयर्स का एनवायरमेंट। फिर मुझे याद आ रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो भी बेहद ज़रूरी है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना, सारी योजनाओं को लिख लो एक पेज पे कि ये इस मिनिस्ट्री की है, वो उस मिनिस्ट्री की है, और वैसे उसको याद करने की कोशिश करो, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, और हाँ आजकल ना बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत सवाल आने लग गए हैं, पिछले साल ही 2 सवाल आ गए, तो अब वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले बस विकिपीडिया का बुद्धिज्म और जैनिज्म का पूरा पेज पढ़ लिया, उसी से वो स्थानकवासी मुझे आ गया, और एक मैत्रेय करके क्वेश्चन था वो मुझे आ गया। तो ऐसे कुछ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप गारंटी तो नहीं ले सकते कि एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी से सवाल आ ही जाएगा। थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? एलिमिनेशन आप समझते हैं कि ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसमें डाउट है, और ये, तो इन दोनों में फिर कौन सा बेस्ट है, ऐसा एलिमिनेशन करके भी आपको आंसर्स पे पहुंचना होगा। मैं कहूंगी 100 सवालों में से 30 से 35 सवाल आपको डॉट श्योर आने चाहिए, उसके बाद के जो 20-25 हैं उस पर आप खेल सकते हो,
कि कहाँ कौन सा है, कौन सा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इंटेलिजेंट गेस है ना, ऐसा रैंडम गेस भी नहीं लगाना है इनकी पिंकी टाइप्स है ना। तो प्लीज, अच्छे होते हैं जिन्हें छोड़ना ही होता है, जो किसी को नहीं आता। तो वहाँ ये मत सोचो कि अरे इतनी पढ़ाई की है, ये सवाल तो मुझे करके ही जाना पड़ेगा। नहीं, वहाँ पे अपने आप को बोलो कि ये किसी को नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं करा खड़ाऊंगा, ऐसा है। और आपकी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओ कि 100 क्वेश्चंस को मैं कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना? ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा कि मेंस में हम जो नोट्स बनाते हैं उनको किस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया मैंने, और कैसे मुझे फिर एग्जाम में मैंने कैसे उसको किया कि मुझे उस टाइम पे याद हो जाए। देखिए, यूपीएससी की स्पेसिफिक बात करूँ तो GS2 और GS3 का पेपर ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका डायनामिक्स से आ जाएगा। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, GS2 GS3 आपका वहाँ से रोज कवर होता जाएगा। तो उसके लिए तो आंसर राइटिंग ही मैंने की, और आंसर राइटिंग से ही मुझे टॉपिक्स पता चल गए थे कि ये। जहाँ तक नोट्स की बात है, तो जो भी एडिटोरियल आते थे ना द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, उनके मैं नोट्स बनाती थी। तो कोई जैसे टॉपिक हो गया उसका अलग से प्लेन पेज में, और हाँ प्लेन पेज को इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि आंसर वहाँ पे आंसर शीट में प्लेन शीट ही मिलती है, वहाँ रूल शीट नहीं मिलती। तो आप शुरू में लिखोगे तो वैसा मतलब ही ऐसा जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि स्ट्रेट आप अच्छे से लिख पाओ। तो मैंने नोट्स भी अपने प्लेन पेजेस में ही बनाए एंड एडिटोरियल्स के नोट्स बनाए, ऐसे अलग अलग मैंने किया। अब एग्जाम के अंदर हॉल में घुसते हुए ना, एक टॉपिक ऐसा था सब्जेक्ट जो मुझे उसके डेफिनेशन याद नहीं रहती थी, वो थे GS4 का पेपर, एथिक्स का पेपर, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब वो इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दीनेस और करेज और ये तो वो, तो उसके डेफिनेशन नहीं याद होते थे। तो इतना छोटा सा एकदम इतना सा पेज पे मैंने एक डेफिनेशन कहीं कहीं से बना के अच्छी से वो लिखी, फिर उसको मैं जाते तक मैं उस पेज को देख रही थी। मतलब अगर आपको ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो उसका छोटा सा अपन नोट्स बनाते हैं ना, वैसे नोट्स बना लो एंड कीप रीडिंग इट एवरी नाइट और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो एक चीज। और सोशियोलॉजी का जो है पेपर टू में डायनामिज्म, जैसा मैंने कहा न्यूज़पेपर से कोट कर सकते हैं, थिंकर्स से कोट कर सकते हैं, तो शुरू में डेफिनेशन से करती थी, फिर कुछ पर्सपेक्टिव, जैसे आशीष बोस, आपने नाम सुना है? आशीष बोस एक डेमोग्राफर थे इंडिया के, शायद है मुझे नहीं पता। तो उनका वो रिसर्च आया था जिसमें हमारे मध्य प्रदेश को बुरा ही लगा था अपन को, जो बीमारू बोल दिया था उन्होंने, तो वो उनका बीमारू जो शब्द दिया था ना, बिहार एंड ऑल बिहार मध्य प्रदेश, तो वो उन्होंने उसका उन्होंने पूरा एनालिसिस किया था कि क्यों ये स्टेट्स हैं जो थोड़ा अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो उन्होंने फिर एक और एक्रोनिम बनाया था डेमारू, दैट वॉज रिलेटेड टू फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो उनके मैंने फिर रिसर्च स्टडीज या वो भी मैंने कोट किया आंसर्स में। तो अभी तो सोशियोलॉजी पे मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ, कुछ ऐसा राइटअप या बुक लिस्ट बना करके मैं नेट पे ऐसा कुछ शेयर कर दूंगी, तो एक वहाँ से आप हेल्प ले लें। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि सोशियोलॉजी की जो भी चीज़ है कहीं वेबसाइट या कहीं ब्लॉग ऐसे मैं आपसे शेयर करूँ, तो आप वहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हो, है ना? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप बैठे। हाँ, तो शुरुआत तो मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था मैंने यहाँ पर, और उसके बाद 8 महीने का वो कोर्स करके, लेकिन मुझे ये लगा कि उसमें मुझे केवल डायरेक्शन मिली है, केवल बुक्स पता चली हैं बस, बाकी जो वैल्यू एडिशन था वो आपको खुद को करना है। तो इसमें आप ये जो मैंने वेबसाइट्स बताई ना, ये आपको पूरा हर दिन ट्रैक करती रहेंगी, हर दिन आपको डेली करंट अफेयर्स इस पे आएंगे, कहीं आपको इस पे एडिटोरियल के नोट्स आ जाएंगे, कहीं क्वेश्चंस वो डाल देंगे हर रोज 5 से 10। तो इस तरीके से आप इनसे जुड़े रहो। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली से जो वेबकास्ट होती हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना? तो स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कोई ज्योग्राफी हो या इकोनॉमी में किसी को दिक्कत हो तो वो कर लो, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बढ़ जाएगा। मतलब आप सोचोगे कि चलो यार खरीदा है तो फिर उसको देखना ही पड़ेगा, वो बात आ जाती है थोड़ी सी, तो आप वो कर सकते हो वहाँ से टेस्ट या फिर क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना? और कोई सवाल? हेलो, बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को मैम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं पढ़े, तो मैम थोड़ी
तैयारी। तो शुरुआत में प्रिपरेशन शुरू किया जाए ताकि हम आगे उसमें वर्क कर सकें। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज पढ़ना शुरू किया है तो सीधा बुक से शुरू मत करो। मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर्स उठाए थे सबसे पहले। तो कॉलेज जाती थी बस में एक न्यूज़पेपर शुरू में आधा, आते टाइम आधा, ऐसे करती, क्योंकि कॉलेज के साथ मैंने प्रिपरेशन किया तो टाइम एकदम है ना पूरे दिन का भी मुझे कम मिला। तो मैंने कोशिश की कि जहाँ भी ट्रैवल जैसे कर रहे हैं हम कई बार ईयरफोन्स लगा लेते हैं, तो आप पढ़ने लगे हैं तो ईयरफोन्स की जगह पे न्यूज़पेपर निकाल लीजिए। ऐसा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए, अपना एनवायरमेंट चेंज कीजिए पढ़ाई का। ह्यूमैनिटीज को स्पेसिफिक लेके जो क्वेश्चन है कि हाँ बोरियत आएगी, मैं भी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, और ज्योग्राफी तो आप पूछो ही मत कैसे मैंने पढ़ा है। तो ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ भी, बट न्यूज़पेपर से शुरू करो, वो चीज़ें आपको इंटरेस्ट दिलाती हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप पढ़ते हो कि ये जो है ना है, आज जैसे आज कौन सा डे है बताइए आप मुझे। हाँ, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, राइट? तो आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे आप यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओ, या जो भी यूनाइटेड नेशंस इसको मना रहा है उसकी वेबसाइट पे आप चले जाओ। आज उनके इसमें आपको देखो कि अलग अलग फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो यू कैन लर्न द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज ही, समझ लो। अपने आप को आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि बुक खोल के बैठे तो इसको ही कवर करना है। इंटरनेट से हेल्प लो, इंटरनेट बहुत मुझे भी हेल्प किया, बहुत ज़्यादा, उससे भी मैंने थोड़ी वैरायटी आ जाती है उससे। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई करो, और जैसे अगर हिस्ट्री बोरिंग लग रही है तो कभी उसके साथ कोई और ऐसा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, कभी एक चॉकलेट खा लो रात को, पढ़ाई अच्छी कर ली हो तो, किसी को आइसक्रीम पसंद है वो खा लो। देखो मैं कह रही हूँ ना, अपने सबको सब बोरियत होता है यार, इतनी पढ़ाई अपन को नहीं जमती है, बट कर लेते हैं ना, तो सच को अपने दिल को भी थोड़ा ट्रिक करो, है ना। तो बोरियत तो होगी, बट वी हैव टू मैनेज एनी हाउ। एनीबडी एल्स? माय क्वेश्चन इज व्हाट यू डिड इन योर लास्ट मंथ बिफोर पिलग्रिम्स, एंड व्हाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम हिंदू टू इंडियन एक्सप्रेस, एंड हाउ डू आई मेक बैलेंस अमंग सॉल्विंग मॉक्स, रिवाइजिंग स्टैटिक, फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स एंड सीसेट ऑल्सो एफिशिएंटली इन कमिंग डेज। सो दैट्स माई कन्फ्यूजन, माई एक्चुअली इन योर क्वेश्चन। ट्रू ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट। 40 डेज अबाउट, तो यू नो इतने टाइम में आप कुछ टेस्ट लगा चुके होंगे, तो उन टेस्ट को आप ये समझो कि वो नेचर ऑफ मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो क्या है। देखो गलतियां हम सब करते हैं, मेरे भी 90 मार्क्स ही आया करते थे ऐसे मॉक में, इतने दिन पहले 80 90 70, तो मुझे लगा ये 110 का आंकड़ा तो मैं पार नहीं कर पाऊंगी, ऐसा होगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो मिस्टेक कहाँ हो रही है उसको आप पकड़ो। अच्छा, मिस्टेक कैसे है, नॉलेज का गैप है क्या, कहीं कोई चीज़ मैंने कि मुझे तीन में से एक आ रहा है फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो नेगेटिव हो जा रहा है, वो पकड़ो। कभी कभार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ए का बी, बी का डी मार्क कर देते हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक है। अपने नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करो, और अगर आपको ये लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा नॉलेज का गैप सामने आ रहा था कि दिस थिंग आई हैव नॉट स्टडीड, तो उस टाइम पर फिर मैंने पेपर लगाना कम कर दिया और थोड़ा अपनी रीडिंग पे, स्टडीइंग पे फिर से फोकस किया। ठीक है, तो आप स्टडीइंग पे फिर से जाओ, जो आपका वीक एरिया है, जहाँ आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उसको फोकस करो। और क्या सवाल आपने इसके साथ पूछा था? हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं, तो आई जस्ट करेक्ट माई सेल्फ इफ यू गॉट मी रॉन्ग। इट वॉज ओनली आफ्टर आई डन माई मेन्स, वेन आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल, देन आई स्टार्टेड रीडिंग वन मोर न्यूज़पेपर। अदरवाइज तो द हिंदू इज ओनली थिंग विच यू वॉन्ट, यू हैव टू रीड फॉर सिविल सर्विस। अदरवाइज आप जो ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं, जैसे लाइव मिंट, राइट, लाइव मिंट पे काफ़ी आर्टिकल्स आते हैं, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च आपने सुना होगा, वहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, तो वो आप पढ़िए। इंटरव्यू में ये रहता है थोड़ा सा ओपिनियन आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही ओपिनियन पढ़ेंगे तो उनके सामने मल्टी डिमेंशनल आंसर नहीं बता पाएंगे। इसलिए फिर मैंने आफ्टर इंटरव्यू कॉल फिर मैंने दूसरा पेपर उठाया, बाकी तो एक भी ख़त्म नहीं होता यार पूरा, दूसरा कैसे पढ़ेंगे, है ना। टेस्ट एंड यू फाउंड कि आपकी अभी गलती हो रही है, तो फिर आप स्टडी पे जाओ ना, है ना। बाकी एनीवेज कमिंग टू, जैसे लास्ट मैं कहूँगी 15-20 डेज में आप वन मॉक पर डे ऐसा करके, और थोड़ा उसी टाइम में, जैसे पेपर कब है, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पेपर का टाइम पता चल जाएगा, राइट, 9 से 11 है क्या है, तो उसी टाइम में बैठ करके, यहाँ पे बॉटल रखी, यहाँ पे वॉच रखी, वैसे ही टाइम में अपने आप को बैठ के प्रैक्टिस करवाओ।
ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत होने वाली है 2 जून को, तो अपने आप को उस एनवायरमेंट में भी ढालना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कर सकते हो, कभी एक मॉक पर डे नहीं तो 50 क्वेश्चंस पर डे, या तो मिक्स लगा लिया कभी, या कभी लग रहा है कि आज मुझे एनवायरमेंट का रिविजन करना है तो एनवायरमेंट के 50 सवाल लगा लिए, ऐसा। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपकी नीड क्या है, आपको नीड पहले अपनी खुद की पहचाननी है। और कोई सवाल? और एक ही बार दी है, बट जर्नी से मुझे ये लगा व्हेन आई वाज इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन कि यूपीएससी आपको कोई बायस नहीं रखता है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, पीटी आया पीटी गया, पीएमटी आया पीएमटी गया, पर यूपीएससी की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो आज तक मेंटेन है। आज तक जो बच्चे उसमें से सिलेक्ट होते हैं वो आज आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस में जाके सर्व कर रहे हैं, तो उस एग्जामिनेशन और उस इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहद हाई है। और वो इसलिए क्योंकि वो कोई बायस नहीं रखते हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा है या तेलुगु माध्यम में लिख रहा है तो उसको हम नहीं वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उस इंस्टीट्यूशन में कोई बायस है। अगर कोई कमी आ रही है, जो मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से जैसे हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम में जो छात्र दे रहे हैं उनका अगर रेशियो कम है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में शायद जो है ना मटेरियल का दिक्कत आ रहा है। आजकल इंग्लिश में इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, सब इंग्लिश में रहती है, तो उनसे जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मैं कोई भी वेबसाइट पे जो भी मटेरियल हो उसको मैं एक्सेस कर पा रही थी। पर शायद अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र है उसके लिए शायद मटेरियल की दिक्कत आ रही है। लेकिन मेरे ज्ञान में आया है कि कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं या कुछ जैसे वेबसाइट्स हैं जो हिंदी में ही मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका माध्यम हिंदी हो तो ये मन में बिल्कुल ना सोचिए कि यूपीएससी आपसे भेदभाव करेगा या उससे आपको कम मार्क्स देंगे। अगर आप में काबिलियत है, आप सही तरीके के आंसर्स लिखते हैं, जो पूछा है वो आप बताते हैं, तो आपको जरूर जरूर मार्क्स मिलेंगे, है ना। और कोई सवाल? थैंक यू सो मच मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं मेल के लिए तो बहुत लेंथी हो जाता है और कभी कभी स्पीड नहीं मेंटेन नहीं हो पाती, और स्पीड होती है तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं हो पाता है पूरे पेपर का। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस पे ज़्यादा टाइम दो अपने आंसर पे, आप तो खुद का आंसर लो कि देखो कि मैं कितना, ये टॉपिक है चलो ठीक है, जब हम लिख लेते हैं और टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं रहता तब आप आराम से सोच सकते हो कि इस सवाल में मुझसे ये पूछा था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ऐसा कुछ जो भी मन से सवाल बना रहे। तो वैसा सवाल आप क्या मैंने उस क्वेश्चन के नीड को, डिमांड को एड्रेस किया है कि नहीं, क्या मैंने ऐसे पॉइंट्स डाले हैं कि नहीं। तो भले ही आप सवाल लिखने, आंसर लिखने में आप 15 मिनट दे रहे हो, तो आंसर के एनालिसिस में आप भले ही 45 मिनट्स दो, पर एनालाइज द क्वेश्चन थरोली, वेदर और नॉट आई एम एबल टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, एनालिसिस करके आप समझ जाओगे कि यहाँ क्वालिटी की दिक्कत है। तो फिर आप, मैं कहूँगी शुरू में आप टाइम मत सोचो, आप सोचो ठीक है जितना टाइम ले रही हूँ लेने दो, धीरे धीरे वो हो जाता है। आप एकदम अपने आप को टाइम के कंस्ट्रेंट में मत बांधो, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। एंड एक और चीज़ है, क्योंकि इन्होंने, एक सेकेंड, इनका सवाल क्योंकि गर्ल ने पूछा था, आई जस्ट शेयर वन फैक्ट विथ यू, 759 बच्चे सिलेक्ट हुए इस साल, ठीक है, फाइनल लिस्ट में यूपीएससी की, एंड देर आर जस्ट 182 गर्ल्स मैम, जस्ट 182 आउट ऑफ 759, मतलब हम 50-50 हैं और यहाँ पर हमारा इतना जेंडर इम्बैलेंस है। तो मैं सारी गर्ल्स जो अभी मुझे सुन रहे हैं, आई टेल यू प्लीज़ खूब सारा अच्छे से पढ़ाई करो, ये जो जेंडर इम्बैलेंस चल रहा है ना 759 में से बस 182, ये हमें बढ़ाना है बस सिलेक्शंस, ठीक है। तो प्लीज़ ऑल द गर्ल्स, हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं ना, दोस्त नहीं होते बाहर ऐसे घूमने फिरने के लिए ज़्यादा, तो उस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाओ और अच्छे से प्लीज़ अपने आप को डेडिकेट होकर पढ़ाई करो, प्लीज़ दिस मैसेज स्पेशली फॉर गर्ल्स, अदरवाइज तो सबके लिए ही बोल रही हूँ। आप पूछिए प्लीज़। जब हम स्टडी करते हैं उस टाइम कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमें याद नहीं रहता है, और आंसर राइटिंग करते टाइम या टेस्ट सीरीज देते टाइम हम वो फॉरगेट कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है मैम, हमारी स्टडी में जो हम और आगे करने वाले होते हैं तो थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और ठीक है माइंड सेट नहीं बनता। देखिए, डेटा की जाने क्या किया, एक डेटा कॉपी करके, डेटा बुक करके एक अलग से छोटी सी नोटबुक बना ली, तो जो भी मुझे डेटा जहाँ भी मिलता था सब कुछ मैं उसमें नोट कर लेती। जब एक चीज़ एक जगह पे, एक वो सारी कैटेगरी की चीज़ एक साथ आ जाती है ना, तो याद करना आसान हो जाता है। तो जो भी कहीं आप डेटा पढ़ रहे हो उसको आप अलग से लिख लो,
और जब आप नया डेटा उसमें ऐड करोगे तो पुराना वाला देख लो कि पहले मैंने क्या लिखा था। ऐसे ही करके रोज रोज जब आप उसमें भरते जाओगे उसको तो पुराना भी देखते चलो, ऐसे रिवाइज करते चलो, है ना। अपने दिमाग को हमें ट्रेन करना है, उससे सारे कचरा जो है ना वो निकालना है और काम की चीज हमें उसमें डालनी है जो हमें वहां पे 2 या 3 घंटे में याद आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा धीरे धीरे करके ट्रेन होगा माइंड आपका। ठीक है, ठीक है, आप बैठो। बोलूँ, एक चीज़ बोलूँगी कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हाइप्ड है चीज़। आपको मेरा स्कोर कुछ 1068 रहा और उसमें से केवल मेरे 173, मतलब एक बहुत कम रेशियो है जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो मैं ये कहूँगी जब तक आप उस स्टेज पे पहुँचोगे ना कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप इतना पढ़ लेते हो कि आप दूसरे का इंटरव्यू ले लोगे, ठीक है। तो नॉलेज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कमिंग टू द फैक्ट कि UPSC क्या एक्सपेक्ट करता है, देखिए वो आपसे नॉलेज जा कूद चुका है, वो प्रीलिम्स आपसे पूरा निकलवा चुका है, 100 MCQ आपसे करवा लिए, फिर ना 90 सवाल भी मेंस में उन्होंने सॉल्व करवा लिए। अब उन्हें आपके नॉलेज से इतनी वो नहीं है, डाउट्स नहीं है। अब वो आपको देखकर ये समझना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट इज ही और शी फिट, कि हम इसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाए, क्या इसमें वो इतना पेशेंस है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। क्योंकि जॉब ऐसी है ना कि आपको लोगों से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को कैबिन में बंद करके बस फाइल पुश करते रहेंगे तो असली में हम इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी चीज़ को, और कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सबको नहीं आती, हम एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, तो कई कोई चीज़ रह जाएगी। मेरे भी इंटरव्यू में एक सवाल उन्होंने पूछा था कि कुछ ऐसा पूछा था कि आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो पॉलीमर्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है। अब वो चीज़ मुझे उस वक्त नहीं याद आई, तो मैंने थोड़ा 5 सेकंड रुकी, फिर मैंने कहा कि सर आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट, आई विल रीड अबाउट इट। तो ऐसा करके मैंने वो सवाल वो किया और फिर वो दूसरे सवाल पे आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, इट्स जस्ट दैट आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो बैकग्राउंड है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। इससे मैंने अपनी स्कूलिंग कामल से की तो मैंने थोड़ा कामल की हिस्ट्री पढ़ ली कि बाई चांस उनका नाम उस पर अटक जाए तो वो उससे कुछ पूछ लें। तो ऐसा आप करो और बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड बी रेडी एंड बी कॉन्फिडेंट। दे जस्ट वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट सो दैट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल एंड यू आर पेशेंट इवन वेन दे ट्राई टू हैकल यू, मतलब वो कुछ ऐसा करें कि आपको थोड़ा अजीब लगे, पर उस वक्त भी आप अपना ध्यान ना खोएं और अच्छे से उत्तर दे सकें। मेरे ख्याल से वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की ट्रेनिंग तो वो देंगे हमको, बस अब स्टूडेंट की तरीके से हमें जांचते हैं, तो इतना कुछ नहीं है। और कोई आप पूछना चाह रहे थे? मैम क्या कोर्स पेपर होता है जो एथिक्स होता है उसमें नंबर की मार्जिन बहुत कम होती है, आप उसको फेस कैसे किए, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट जो मैं क्लियर कर रहा तो फोर्थ पेपर में थोड़ा अच्छा जा रही है। ठीक है, देखिए फोर्थ पेपर UPSC की परीक्षा की बात कर रहे हो क्या, और MPBSC में भी होता है ना एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, MPBSC में भी होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से इस पेपर में 2 पार्ट्स हैं, एक तो अपना जो थियोरेटिकल पूछेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड हैं, ऐसा करके जहाँ पे मैंने डेफिनेशन की बात की थी ना कि जहाँ पे अगर हम छोटी छोटी डेफिनेशन याद करके लिख जाए उनको यूज कर सकते हैं। आई थिंक GS4 इज अबाउट क्वालिटी कॉन्टेंट। देखिए डिसिप्लिन, किसी को बोले वॉट इज डिसिप्लिन, कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ लिखेगा, आपको कुछ ऐसा लिखना है कि वो एग्जामिनर एक बार पढ़े तो सोचे अरे हाँ यार ये इसने की तगड़ी बात बोली है, और कुछ एग्जाम्पल लगाइए आप अपने रियल लाइफ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से करके गई थी कि ऑनेस्टी कितना रहते हैं सिविल सर्वेंट, तो अपना जो लाइसेंस होता है, आप सब में से किसके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, बस गाड़ी सब चलाते हैं, अरे यार ऐसा मत कर। तो लाइसेंस का ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मैं गई और फिर कोई कह रहे थे जैसे रिलेटिव कि आप ये इनको पे कर दो एजेंट को और वो आपका लाइसेंस बनवा देगा। मैंने कहा नहीं, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है उससे करेंगे। मुझे 5 दिन लग गए, 5 दिन मुझे ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, बट एटलीस्ट मेरे मन में वो सेटिस्फैक्शन रहा कि मैंने ऑफिशियल प्रोसीजर से किया है और किसी एडिशनल इंसान को मिडिल मैन को पैसा नहीं दिया है। तो एक वो चीज़, जैसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात होगी, तो कोई ऑनेस्टी पे कोई पूछ रहा है कि हाउ विल यू बी ऑनेस्ट, तो आप कोट कर सकते हो कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा कहीं आपने कहीं एनेक्डोट पढ़ लिया, किसी की बात पढ़ ली,
कि कुछ अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, मध्य प्रदेश में एक ऐसी कहीं जगह है, जगह की याद नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ पर लड़कियाँ मैकेनिक का काम सीख रही हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत अचंभा हो रहा है, बहुत सारी लड़कियाँ जो और बाहर जैसे काम के लिए नहीं जा पा रही हैं, वो गांव में ही अपने वहीं पे जिला में ही जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको रिपेयर कर देती हैं। तो कितनी यूनिक बात है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की कोई बात चल रही हो एथिक्स के पेपर में, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। तो एक ये चीज़ आप डेफिनेशन, और दूसरी चीज़ जो केस स्टडीज की आती है ना, हमें सिचुएशन दे दी जाती है कि यू आर इन दिस सिचुएशन नाउ व्हाट विल यू डू, तो इसकी प्रैक्टिस आप करो। उस एक बुक आई थी एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, जिसमें केस स्टडीज ही दी थी बस, तो वो बुक मैंने ली थी, उन केस स्टडीज को मैंने अच्छे से पढ़ा और फिर मैंने अपना पर्सपेक्टिव सोचा कि मैं अगर उस पोजीशन में हूँ तो एक एथिकल इंटीग्रल मतलब ऐसे ऑफिसर मैं क्या सोचूंगी उस वक्त, वो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और एथिक्स का जनरली पेपर लंबा होता है तो उसका राइटिंग भी स्पीड आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं ना आप। और कोई Any more questions here? It's taking too much long and thanks to ma'am. जो हम English medium के लिए जो है resources बहुत ज़्यादा हैं, Hindi medium वाले बच्चों के लिए resources कम हैं। Yes. तो मैम जो हम answer writing करते हैं तो हम हमारी copy कैसे check करें? देखिए मैं ऐसे चीज़ों के contact में नहीं आई हूँ जो Hindi medium वाले उसको करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 5 को रिजल्ट आया था आज 18 तारीख, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज ए टीचर या एज एन एस्पिरेंट। तो मैं उनके साथ कोशिश करूँगी कि मेरे से जितना हो पाए ये चीज़ बढ़े, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा मटेरियल का प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखते हैं, बट आपसे ये कहूँगी थोड़ा सा मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप थोड़ा नोट्स आप खुद अपने बनाओ और कुछ किताबें हैं उनको जो हिंदी में दी हैं उनको पढ़ो, या कोई इंग्लिश में पढ़ के इजी इंग्लिश जैसे कुछ जैसे थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हैं ना, तो उसको आप अपने आप पढ़ा लें। और जो हिंदी टेस्ट सीरीज लगा देते है ना, जो आपके आंसर्स चेक करके आपको दें, ऐसे कुछ मैं समझती हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में हम हैं और काफ़ी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो आप ऐसे किसी टीचर्स से जुड़िए। और आई सपोज मैम भी मतलब इसमें आप थोड़ा मैम देखिएगा अगर बच्चों को हेल्प हो पाए, कोई भी टीचर अगर हिंदी माध्यम से बच्चों की कॉपियाँ चेक कर पाए है ना, तो ऐसा कुछ थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और अगर मेरे कॉन्टैक्ट में कोई आता है तो मैं मैम को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा है ना। ठीक है, तो खत्म। मैं एक चीज़ एक ना मैं कल ना परसों एक यूट्यूब वीडियो देखी तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बस ये बात है कि बिफोर आई से दोज लाइन्स, थैंक यू सो मच फॉर लेंडिंग मी योर ईयर्स। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, मेरे से इंटरेक्ट किया मेरे साथ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा दैट अगर यहाँ से अगर आप दो भी चीज़ अगर कुछ अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा मेरा यहाँ पे आना पक्के से सफल हो जाएगा, और अभी भी हो गया है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डी स्ट्रेस भी होइए, ऐसा नहीं है बस पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ मूवी भी देखिए, कभी फन टाइम भी इंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपने फोकस बनाया है, अगर यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, सो आई टेल यू देयर इज नथिंग मोर पावरफुल इन दिस यूनिवर्स दैन अ ह्यूमन बीइंग विद अ पर्पस। यू नो इफ हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर अ बॉल ऑफ एनर्जी, अगर हम ये डिसाइड कर लें दैट वी हैव अ पर्पस इन माइंड देन नोबडी कैन स्टॉप अस, बिलीव इन दिस थॉट। मैं यहाँ पे बिल्कुल वो चीज़ फॉलो करके आपके सामने खड़ी हूँ, एंड यू कैन बी हियर एज वेल है ना। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, इफ़ यू गेट फिर से अपने आप को ट्रैक पे ले आओ। और एक दो चार लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे ज़रूर बुलाएंगे है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल टेक केयर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब?
एक इस प्रोग्राम को थोड़ा हम अलग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर कोई आता है, लेक्चर देता है, संघर्ष कर लेना, मेहनत कर लेना, वो तो सबको पता है। आप YouTube भी देखते हैं और यहाँ दिन भर बैठकर 12 घंटे पढ़ते भी हैं, कुछ रात को 11 बजे यहाँ से भगाने पर भी भागते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम ये चाहते थे कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्टली आप पूछो, जो भी हो। आपने पूछा भी, बहुत अच्छा लगा हमें आपका। सृष्टि देशमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हो कि पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है कि इतने सारे सवाल आपका जवाब यहाँ पूछा गया और आपने सभी का जवाब, ऐसा कोई भी नहीं बचा है। तो मैं औपचारिक रूप से एक क्वेश्चन था, कुछ पूछ रहे थे, हमें फोटो लेना था, तो आप फोटो के लिए घबराएं मत, हम वीडियो शूट हो रहा है। इस पूरे प्रोग्राम की वीडियो भी हमारे फेसबुक ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी। आप फोटो चाहते हैं तो आपका एक प्रूफ फोटो आप सबका करवाई जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर वंदना शर्मा मैम को बुलाना चाहूँगा कि औपचारिक रूप से वो धन्यवाद दें। औपचारिकता कहीं रही नहीं है, ऐसा लग रहा है सृष्टि हमारे साथ रही है हमेशा। और अब सृष्टि के ये सेशन के बाद मुझे देश के जो दूसरे बच्चे यूपीएससी में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा शुभकामनाएं देना पड़ेंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहीं के बच्चे अगर सब सिलेक्ट हो गए तो उन लोगों को शुभकामनाएं देना ही हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों को भी शुभकामनाएं दें। और सृष्टि यहाँ ही अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आप लोगों के लिए इतना सोचा उन्होंने कि जैसे ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहेंगे और उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा, तो सृष्टि बहुत सहजता से तैयार हुई। तो इनके आने की, इनकी सहमति के साथ ही मुझे हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति याद आई कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर कुछ गए छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। तो आपने अपने पंथ का अनुमान थोड़ा लगा लिया होगा। और इस सेशन के बाद आप एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की और वो जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उनसे पढ़ते हैं, केवल उन्हीं को पढ़ते हैं, अच्छे तैयारी करते हैं, उन्हें बता दिया था कि ये बुक इससे पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक्स है, इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या होता है कि उत्तर सब लोग लिखते हैं, सबके सही उत्तर होते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थोड़ा सा हट करके लिखता है। और हट करके वो इसलिए लिखता है कि जैसा सबसे पहले सृष्टि ने की ने एक बात कही थी और मुझे वहीं से सृष्टि की सफलता का अंदाज हो गया। उन्होंने ये कहा था कि यदि आप यूपीएससी देना चाहते हैं, इसलिए कि एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ये सम्मान है, अधिकार है, यश है, धन है, सब कुछ है, लेकिन यदि एक उद्देश्य हमने ये बना लिया कि हमें इसलिए बनना है कि जैसे हमने किसी गरीब बच्चों को देखा कि ऐसे बच्चों को सबको पढ़ना मिल जाए, मतलब जितना ज़्यादा आपकी पढ़ाई का संबंध आपके प्रेस्टिजियस लाइफ से न होकर के समाज की चिंता को लेकर के होगा, उतनी चिंता आपकी बढ़ेगी, उतना चिंतन बढ़ेगा, आपका लिखने का स्टाइल बनेगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं किसी एक खास समस्या को लेकर के, अपने देश की चिंता को लेकर के, देश के किसी ऐसे बात को लेकर के। बहुत बार हम सुनते हैं कि बहुत साधारण परिवार में पढ़ी हुई बच्ची, चाहे वो उसके पिता टांगे चलाना वाले हैं या कोई एक बहुत ही गरीब कृषक है, उनके बच्चे यूपीएससी में उन्होंने अच्छा रैंक मिला उन्हें, इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने बहुत पुस्तकें घोंट डाली होगी, इसलिए कि वो जिस परिवेश में रही है उस परिवेश को लेकर के चिंतित रही होंगी या वो बच्चे चिंतित रहे होंगे और उस चिंता ने उनको चिंतन दिया होगा और उस चिंतन ने उनको लगन दी होगी और लगन से उन्होंने परिश्रम किया होगा और परिश्रम से उन्हें सफलता मिली होगी। तो हम अपने लिए न करें, केवल ये ध्यान देने कि हमें यूपीएससी के लिए रिश्ते करना कि हम बड़े अधिकारी बनेंगे, तो ऐसा सोच करके बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सफलता उन बच्चों को मिलती है जो अपने साथ साथ एक चिंता को लेकर के चलते, एक चिंतन को लेकर के चलते, एक समाज से जुड़े हुए होने का, समाज से को कुछ देने के भाव को लेकर के जो लोग जुड़ते हैं उनकी सफलता निश्चित है, तय है, क्योंकि वो जब लिखते हैं तो उनके लेखन में जरूर दूसरे बच्चों से अंतर होता होगा और उनका लेखन उनसे दूसरों से श्रेष्ठ रहा होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, आप सबकी सफलता बिल्कुल आपके इरादों पर टिकी हुई है। जैसे दुष्यंत कुमार की पंक्ति है ना कि यह पहाड़ी पांव क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़िए, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। तो एक ही पथ बनाएं,
आपके दरीचे दरवाजे बन जाएंगे, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बस ये है कि जो कुछ आपने आज सीखा समझा उसे ग्रहण करें, उसे अपने रोजमर्रा के अपने जो तैयारी है उसमें लेकर के आएं। और मैं आप सबके सफलता की शुभकामना देती हूँ और सृष्टि को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छा सेशन उनका रहा और बच्चे न केवल मोटिवेट हुए, उन्हें बहुत सारी उनकी समस्याएं जो उनके अंदर उनको पूछती होगी, उनको जिज्ञासाएं उनकी शांत हुई। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आधे घंटे से इंतजार कर चुकी है, तो आपकी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। सृष्टि देशमुख जी को शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं कि आपने इतने सफलता प्राप्त की और भोपाल का नाम पूरे भारत में रोशन किया और ये दिखाया है कि भोपाल की लड़कियां सबसे ताकतवर होती हैं या नहीं। लड़कियों की आवाज़ नहीं है अभी भी नहीं है। आप इनसे अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पर मैं आपको इनका, आप भोपाल के कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई हैं, आपने 2018 में केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन अपना पूरा किया, आपने पहले ही अटैम्प्ट में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अंदर सर्वप्रथम हम सृष्टि देशमुख जी को सुनेंगे, उसके बाद आपके सवाल कुछ बचते हैं तो हम सवाल लेंगे, उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि आप मिलना भी चाहते हैं तो हम थोड़ा सा समय देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय, तो मैं बिना किसी देरी करे आपको गौर किए हुए आमंत्रित करना चाहता हूँ सृष्टि देशमुख, आप सबको संबोधित करें। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक वंदना मैम जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आप सबसे आज बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच मैम। एक बात मैम से भी मैं अभी के बारे में सुनती थी कि वहाँ पर लेक्चर्स अच्छे होते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, तो और मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं यहाँ आऊँ और सारी फैसिलिटीज़ का मतलब उपयोग करूँ, तो आज वो मेरा जो सपना है क्या अभी सोचा था वो आज पूरा हो गया है, तो आज पढ़ाई करके आज आप सबके बीच आने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी के बारे में अगर कुछ कहूँ कि कैसे मैंने UPSC की सिविल सर्विस जो परीक्षा है वो पास की और अच्छी रैंक हासिल की, तो सबसे पहले तो ये और आपने तो बताया था मैं एक लेटर अभी भेज दे रही हूँ, एक दिन में ये अप्रिसिएशन इस तरह के रहते हैं तो और ज़्यादा बूस्ट अप होते हैं हमारे जवान काम करते हैं। हम भी गए थे परसों, यही थे बल्कि जो ऐसा ही हमारे ये इन्होंने टैकल किया था उसमें, और कुछ भी मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट होता है कि कोई कॉल करिएगा प्लीज़। थैंक यू मैम। होती है उनको अपन समराइज कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली वो क्या टाइम ज़्यादा खाते हैं,
तो इस बीच में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पड़ता है, कुछ सब्जेक्ट को लेकर टेंशन भी होती है, उस चीज पर टेकअप कैसे किया जाए? ठीक है, कैसे नोट्स बनाते हैं और वो चीज़। दूसरा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दो अलग 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 तरीके से आंसर करूंगी। पहला चीज, नोट्स। देखो, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आपको कवर टू कवर पढ़ना ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसके नोट्स आप बना लोगे तो या तो आप फोटोकॉपी करा लो, या तो फिर हम फिर क्या करेंगे, कुछ कुछ छोड़ देंगे। वो चीज भी होनी चाहिए। अब जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, वो तो कवर टू कवर ही पढ़नी है आपको। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर आती है, वो आपको कवर टू कवर पढ़नी है। कुछ किताबें जैसे डीडी बासु हो गई, कोई अगर पॉलिटी के नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहा है, डीडी बासु पढ़ रहा है, तो उसके केवल आप नोट्स बनाओ। तो आप डिसाइड करो कि आपके एग्जामिनेशन के नीड के हिसाब से कौन सी किताब आपको पूरी पढ़नी है और कौन सी की आपको नोट्स बनाना है। नोट्स का टाइम जैसे सोशियोलॉजी, अब उसमें हमें अलग अलग किताबों के रेफर करनी पड़ी, तो फिर मैंने उसके नोट्स बनाए, अदरवाइज फिर बुक से ही पढ़ी। और दूसरी चीज़, फ्रस्ट्रेशन। तो नोट्स बनाते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, और हर टाइम मतलब है ना, फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारा पीछा करती रहती हैं। पर कुछ ऐसे खास दोस्त बनाओ जो हो सकता है उस फील्ड के नहीं हो, लेकिन आपको मोटिवेट करें कि भाई तू कर सकता है, कि गर्ल यू डू इट, यू नो। और आपके कोई मतलब आपके भाई बहन हो या आपकी मम्मा हो, उनसे शेयर कीजिए कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट योर मोटिवेशन। ऐसे किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड साथी बनाइए पूरी जर्नी में, और सपोर्ट लीजिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होगा, बट उस पर हमें कंट्रोल, जैसे मैंने कहा कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना है, दिमाग हमें कंट्रोल ना करे, है ना। इस और कोई आप पूछ रहे थे, करते हैं सोशियोलॉजी में, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे बोलते हैं कि आपने अगर जनरली लिख दिया तो उसमें आपको आंसर नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने अगर सोशियोलॉजिकल एंगल से उसको लिखा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो वो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, कॉमन सेंस ये है कि आप मुझे यहाँ पर बैठ कर सुन रहे हैं, ठीक है, आप कुछ इससे सीख कर जाएंगे, ठीक है, हो गई बात खत्म। अब इसको सोशियोलॉजी के तरीके से कैसे देखेंगे, कि आप सबको हम देख लेंगे कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, आप पे थोड़ा रिसर्च करेंगे, आप घर जाके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर एक डेटा निकालेंगे कि जिन बच्चों ने यहाँ पे सेशन अटेंड किया था उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट रहा कितना इम्पैक्ट नहीं रहा। जब मैं उस रिसर्च फाइंडिंग को कोट करके बताऊंगी तो वो सोशियोलॉजी, और जब मैं ऐसे ही कह दूंगी कि हाँ ये जो लड़की है ना ये बहुत अच्छा पढ़ने वाली है, ये कॉमन सेंस। तो फिर मैम, तो सोशियोलॉजी में हमें थिंकर्स को कोट करना है, कोई भी थिंकर जो हो जिसने कोई बात कही हो, जैसे हर एक टॉपिक के अपने अपने थिंकर्स हैं। अभी तो मुझे थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मैंने मेंस अक्टूबर में दिया था, उसके बाद मैंने ज़्यादा सोशियो को नहीं छुआ है, बट स्टिल जैसे कुछ थिंकर्स हैं, जैसे ऑन्द्रे बेते हैं, है ना, इंडियन थिंकर हैं, लुई डुमॉन है, ऐसे थिंकर्स को आपको कोट करना है आंसर्स में। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स आप डाल सकते हैं, जैसे हमें जनरल आप जीएस के आंसर्स में डालते हैं, वो फैक्ट्स डाल सकते हैं। और थोड़ा आपको आप सोशियोलॉजी के बुक से ही, अभी मैं इतने अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि आई हैव लॉस्ट टच, लेकिन सोशियोलॉजी की बुक से ही आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पकड़ना है। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, सुसाइड की थ्योरी जो इमाइल रूकिन देते हैं, राइट, उन्होंने कैसे कहा कि सुसाइड, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है, सोशियोलॉजिकल चीज़ है। कैसे कहा? उन्होंने कहा कुछ लोग या तो जो अनमैरिड हैं या तो जो थोड़े से अलग रहते हैं लाइफ से, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग ज़्यादा सुसाइड करने की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उनके रिसर्च फाइंडिंग पे बेस्ड था। तो ऐसे कुछ रिसर्चेस आपको कोट करने हैं और थिंकर्स को कोट करने हैं, वो मेरे ख्याल से सोशियोलॉजिकल एंगल होगा, है ना। एंड मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ड लिमिट कंप्लीट करने के लिए आपने वैसे लिखना स्टार्ट किया? नहीं, अगर मैं देखो यूपीएस है ना, अगर केवल वर्ड लिमिट आरजीपीवी की तरह पन्ने भरने जाएंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे सर, सच बता रही हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने भी आरजीपीवी के एग्जाम दो दो घंटे में निकाल के आती थी, मतलब अब देखो, अब आपसे अच्छे से शेयर करूँ, आप हंस गए, थोड़ा और याद आएगी एक चीज़ मेरे को, कि मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम, फोर्थ हमारा एट सेमेस्टर का एग्जाम का फोर्थ पेपर, चार ही पेपर होते हैं थियोरेटिकल इंजीनियरिंग में आखिरी सेमेस्टर में, तो उस पेपर के बीच में और मेरे प्रिलिम्स एग्जामिनेशन के बीच में 14 दिन का अंतर था, 14 दिन, आप समझ रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ की मैं बड़ी एग्जाम लेने जा रही हूँ, और मुझे जब पता चला कि बस 14 दिन है तो मैं हिल गई थी पूरी तरीके से। तो वो जो एग्जाम था आखिरी, जो भी पेपर थे 5-4, वो मैंने 2-2 घंटे में लिख के मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता थी कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्वालिटी पर जज नहीं किया जाएगा,
आप समझ रहे हो ना, इंजीनियर टू इंजीनियर बातें हैं। तो लेकिन यूपीएससी ऐसी नहीं है, आप कोई और पेपर देंगे एसएससी एसएसबी, वहाँ पे वो आपके क्वालिटी ऑफ आंसर पे ही आपको चेक करेंगे। एंड वहाँ पे आप सोचो कि मैं लाइन थोड़ी स्पेस बना के जो है पेज मुझे पूरे भर दूंगा और उसमें पॉइंट नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं अपने टेस्ट लिख रही थी, जो आप टेस्ट देख रहे हैं ना उनमें आप नंबर देख लीजिएगा, शुरू के टेस्ट में आप देख लीजिए मैं कैसा लिखती हूँ और बाद के टेस्ट में देखिए आप मैं कैसा लिखती हूँ। मैंने खुद ही ये चीज़ समझी, इम्प्रूव की, कि मेरे आंसर में वो लोग ये नहीं देख रहे कि मैं कितना दोनों पेज कम्प्लीटली भर रही हूँ, वो ये देख रहे हैं कि कितने पॉइंट्स उसमें से निकल रहे हैं। आप समझ गए, तो पॉइंट्स कितने उससे रेलेवेंट क्वेश्चन में जो पूछा गया है। एक तो पहली बात, क्वेश्चन को अपन को दो बार पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, एक बार पढ़ लेते हैं हाँ को ना, ना को हाँ पढ़ के आंसर टिक ला के आ जाते हैं, वो चीज़ गलत है। तो क्वेश्चन आप चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, दो बार पढ़ो, दिमाग को शांति से दिमाग में घुसाओ और फिर 10 सेकेंड्स का वक्त लेके फिर शुरू करो आंसर राइटिंग। और ऐसी कोई मेरी वो नहीं रही कि जैसे ज़्यादा स्पेस हूँ या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर अच्छी बात है, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा काम कर गया है ना, तो बस हाँ, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है ना। एक इस पे आ जाती हूँ कि देखो कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है सृष्टि देशमुख कौन है, कोई मतलब नहीं उसके लिए, बस एक गड्ढा है कॉपी का, राइट, अपने लिए वो अपनी पूरी लाइफ की वो है ना मेहनत अब उनको दे रहे हैं। तो आप कैसे दूसरों से अलग आपकी कॉपी चमके, इस बात पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोतियों के अक्षर लिखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आप हैंड राइटिंग लिखो बट उसको समझ में आ जाए एग्जामिनर को, मतलब उसको चश्मा, अब वो प्रोफेसर होंगे उनको ज़्यादा वो ना करना पड़े, दिक्कत ना हो उनके लिए, आसानी हो, ऐसा आंसर लिखो, प्रेजेंटेबल भी हो थोड़े बहुत। जैसे आपने पूछा था ना कि आप क्या आंसर में करते हो, तो मैंने थोड़े फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाए, मैप मैंने सीखा कि कैसे मैं 10 सेकंड में इंडिया का मैप बना लूँ, तो वो मुझे एक चीज़ काम आई। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि आप रामसर वेटलैंड साइट्स बताइए इंडिया में कौन से, तो इधर मैं लिख देती कि 2 रामसर वेटलैंड साइट्स आर दीपोरबिल इन असम एंड भोजपाल लेक इन भोपाल, ठीक है। मैंने क्या किया, छोटा सा मैंने 10 सेकंड में फटाक से एक मैप बनाया, वहाँ पे असम के साइड पे गोला बना के वहाँ लिख दिया दीपोरबिल और इधर लिख दिया भोजपाल लेक। तो उससे क्या हो गया, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो गया, हो सकता है आधा मार्क मैंने वहाँ एक्स्ट्रा चुरा लिया हो। ऐसे करके आपको अपने आंसर्स को इम्प्रूव करना है और ये प्रैक्टिस से आएगा। मैम जस्ट टू कंफर्म, मैं समराइज करने के लिए, आपने पहला बोला कि सोशियोलॉजिकल एंगल में अपने को थिंकर्स को कोट करना है तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो मैम जीएस का जो आंसर अपन लिखते हैं और सोशियोलॉजी का जो आंसर लिखते हैं, दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि अपने को थिंकर्स का मैं आपको एक बताऊंगी कि मैं सच बता रही हूँ वेरी ऑनेस्टली, अभी मेरा थोड़ा टच छूट गया है सोशियो का, तो मैं इतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। आप मेरे आंसर शीट्स दूसरी वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने सोशियो की टेस्ट सीरीज ली थी, आप वहाँ से मेरे आंसर्स पढ़ लें एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट आई राइट डिफरेंटली, है ना। बाकी अब मैं इनको चांस दूँ प्लीज, है ना, पूछने के लिए। कुछ स्पेशल फोकस एरिया जो जिस पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। मेरे मार्क्स आए हैं, मुझे अभी पता चला कि 98 कट ऑफ गया था, वो तो पहले पता चल गया था, मेरे 106 मार्क्स आए, तो कोई खास बहुत तगड़े मार्क्स नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी पूछा है, थोड़ा क्रॉस कर लिया है। तो बस ये बोलूँगी कि अपनी एग्जाम के पैटर्न को पहचानो, यूपीएससी में कुछ जैसे पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन होता है कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, और वहाँ अगर आपने गलत कर दिया तो ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो पॉलिटी को मास्टर करके वहाँ बैठे, तो वहाँ तो एक भी आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी को आप पूरा पक्का करके जाओ, पिछले साल मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, तो उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, करंट अफेयर्स में जो एनवायरमेंट पूछा जाता है वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो करंट अफेयर्स का, एनवायरमेंट का, फिर मुझे याद आ रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो भी बेहद ज़रूरी है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना, वो योजना, सारी योजनाओं को लिख लो एक पेज पे कि ये इस मिनिस्ट्री की है, वो उस मिनिस्ट्री की है, और वैसे उसको याद करने की कोशिश करो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, और हाँ आजकल ना बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत सवाल आने लगे हैं, पिछले साल ही 2 सवाल आ गए, तो अब वो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले बस विकिपीडिया का बुद्धिज्म और जैनिज्म का पूरा पेज पढ़ लिया, उसी से वो स्थानकवासी मुझे आ गया और एक मैत्रेय करके क्वेश्चन था वो मुझे आ गया। तो ऐसे कुछ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा
कि कौन सा कहाँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप गारंटी तो नहीं ले सकते कि एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी से सवाल आ ही जाएगा। थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। एलिमिनेशन आप समझते हैं कि ये नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसमें डाउट है, और ये तो इन दोनों में फिर कौन सा बेस्ट है, ऐसा एलिमिनेशन करके भी आपको आंसर्स पे पहुंचना होगा। मैं कहूंगी 100 सवालों में से 30 से 35 सवाल आपको डॉट श्योर आने चाहिए, उसके बाद के जो 20-25 हैं उस पर आप खेल सकते हैं कि कहाँ कौन सा है, कौन सा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इंटेलिजेंट गेस, है ना, ऐसा रैंडम गेस भी नहीं लगाना है इनकी पिंकी टाइप्स, है ना। तो प्लीज, अच्छे होते हैं जिन्हें छोड़ना ही होता है, जो किसी को नहीं आता, तो वहाँ ये मत सोचो कि अरे इतनी पढ़ाई की है ये सवाल तो मुझे करके ही जाना पड़ेगा, नहीं, वहाँ पे अपने आप को बोलो कि ये किसी को नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा, नेगेटिव नहीं करा के आऊँगा, ऐसा है। थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाओ कि 100 क्वेश्चंस को मैं कैसे अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक, हाँ, है ना, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा कि मेंस में हम जो नोट्स बनाते हैं उनको किस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया मैंने, और कैसे मुझे फिर एग्जाम में मैंने कैसे उसको किया कि मुझे उस टाइम पे याद हो जाए। देखिए, यूपीएससी की स्पेसिफिक बात करूँ तो GS2 और GS3 का पेपर ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका डायनामिक से आ जाएगा, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना GS2 GS3 आपका वहाँ से रोज कवर होता जाएगा, तो उसके लिए तो आंसर राइटिंग ही मैंने की, और आंसर राइटिंग से ही मुझे टॉपिक्स पता चल गए थे कि ये। जहाँ तक नोट्स की बात है तो जो भी एडिटोरियल आते थे ना द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, उनके मैं नोट्स बनाती थी, तो कोई जैसे टॉपिक हो गया उसका अलग से प्लेन पेज में, और हाँ प्लेन पेज उसको इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि आंसर वहाँ पे आंसर शीट में प्लेन शीट ही मिलती है, वहाँ रूल शीट नहीं मिलती, तो आप शुरू में लिखोगे तो वैसा तो कभी ऐसा जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि स्ट्रेट आप अच्छे से लिख पाओ। तो मैंने नोट्स भी अपने प्लेन पेजेस में ही बनाए एंड एडिटोरियल्स के नोट्स बनाए, ऐसे अलग अलग मैंने किया। अब एग्जाम के अंदर हॉल में घुसते हुए ना एक टॉपिक ऐसा था सब्जेक्ट जो मुझे उसके डेफिनेशन याद नहीं रहती थी, वो थे GS4 का पेपर, एथिक्स का पेपर, एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब वो इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दीनेस और करेज और ये तो वो, तो उसके डेफिनेशन नहीं याद होते थे, तो इतना छोटा सा एकदम इतना सा पेज पे मैंने एक डेफिनेशन कहीं कहीं से बना के अच्छी से वो लिखी, फिर उसको मैं जाते तक मैं उस पेज को देख रही थी। मतलब अगर आपको ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो उसका छोटा सा आप नोट्स बनाते ना, वैसे नोट्स बना लो एंड कीप रीडिंग इट एवरी नाइट और एनीथिंग लाइक दैट। सो वो एक